है कि बेटा जूता पहन के निकलो। हाँ भाई, तो हमारी सवारी निकल चुकी है बाकरगंज की और बीच में लोग निशान को भी पिकअप करेंगे पैदल ही। उसके बाद पहले लैपटॉप लेके जा रहे हैं हम लोग मूवी। दोनों आदमी के पास लैपटॉप है अपना अपना, और बाकरगंज जाके हम लोग को थोड़ा आईफोन का एक्सेसरी लेना है ताकि लैपटॉप में इसका डाटा डाल सके। इतना फोटो वीडियो होगा कि पूरा भर गया है इसका मेमोरी कार्ड। लैपटॉप का भी हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा। लैपटॉप हार्ड डिस्क है भाई 1.5 TB का। ये गाइस मिलते हैं। ये गाइस हम लोग जा रहे हैं निशान के गली में। ये निशान की गली है और ये जो वो रहा सुलभ सुधारा जहाँ बन रहा है। आ चुके हैं हम लोग आइकॉनिक लिफ्ट वाले स्पॉट पे। इसको फ़ोन से दबाया गया है ताकि कोरोना ना हो पाए। इस बिल्डिंग में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि कोरोना से ग्रसित हैं। इसमें हमारे निशान भी है। निशान भी कोरोना लाइफ रिस्क करके हम लोग जा रहे हैं उस पर। हाँ निशान, अच्छा देख लियो। हाँ तो हम मुंह भी लगा के जाएंगे फिर बाकर निकलेंगे। अच्छा वही बोल रहे हो तुम? हम बोले कि तुम बोले? तुम बोले यार। अरे भाई निशान का छत है ये आगे से। ये प्रियांशु का लैपटॉप है। प्रांशु भाई लोग आजकल उसको प्रियांशु समझने लगे हैं। वे गाइस हम क्लियर कर देना चाहेंगे इसका नाम प्रांशु है। प्रांशु और लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा है? क्या पता भाई। अरे यार अब भाई मैकबुक लेना चॉइस नहीं मजबूरी बन चुका है। प्रोडिजी कुछ बोल नहीं रहा है। देख रहे की बंद करेगा तो बोलेंगे। अच्छा ए निशान पिज्जा का बना रहे बताओ। 26 तारीख को कुछ है क्या? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ओके ओके। हाँ भाई ये देखिए ओपन जिम है। उस दिन सुबह सुलह सौ कहने बोल दिया क्या था इसको? आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई सेल्फ। ओपन जिम अपोलोजीज मेरे भाई। बॉटम ऑफ माई हार्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन टू दोज पीपल हु विल बी डूइंग जिम हियर। उधर उधर भी है लाइट। ओ बेटे लाइट बेबी वन लाइट बेबी। ओ बेटे वन लाइट बेबी प्लीज। अगर प्रांशु का प्यार सच्चा होगा तो लाइट जलेगा। एंड इट्स अ ग्रज एंड इट्स अ फिनॉल इट्स अ फेक लव। अगर निशान का प्यार सच्चा होगा तो लाइट जलेगा। एंड इट्स अ ढोंग इट्स अ ढोंगी लव। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो ये जलेगा। एंड इट्स अ फिनॉल इट्स अ फिनॉमिनल। चाहे चुस्की वो है और क्या है बे सोनो स्टील फर्नीचर। मेरे घर का निकने में भाई मेरा ही हो सकता है क्या पता यार। बट स्टाफ दूसरा लग रहा है मेरा स्टाफ नहीं है। बाकरगंज की गली में आ चुके हैं। यहाँ पे फोन का कसरी चाहिए इसलिए यहाँ पे आए हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे। कोरोना को कोई नहीं याद रखता है यहाँ पे। ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन क्या है हमें नहीं पता। वी डोंट नो। बहुत ही ज़्यादा लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। कितनी भारी भारी सब देख रहे हो तुम। वैद्यनाथ मिश्रा पूरा खुश हो जाएंगे एकदम कि हाँ मेरा माई किड भाई बोलते ना धोनी में जो सीन आता है। घुस चुके प्रॉपर बाकरगंज की गली में। ये पूरा मोबाइल का ही शॉप है इलेक्ट्रॉनिक शॉप। सस्ते में सब चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। चांद के जूते को तोड़ दिया गया है चप्पल को मेरे चप्पल द्वारा। दोस्ती के खातिर अपना चप्पल भी तोड़ने वाला है। दोस्ती के खातिर यहाँ तो मोती मिल जाएगी तो अपना चप्पल तोड़ देंगे। कैसा लग रहा है आपको निशांत? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? फीलिंग हैंडीकैप्ड। अंकल झूठ बोले हैं। अंकल के पास था लेकिन अंकल झूठ बोले हैं। बैग नहीं करते हैं। इनके पास होगा। किनके पास? घर पहुँच नहीं है
सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, वी गॉट रबर बैंड। अब देखिए देसी जुगाड़ कैसे होता है, बोले तो नहीं होगा कुछ, कैसे करेंगे निशांत राजा। देखिए जो आप बोले थे हम लोग ला के दे दिए, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि मैं गरीब हूँ। ए भाई क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये? अच्छा है भाई, तुमको खड़ा हो पहन के चलने का प्रैक्टिस होगा। अगर ये टूटे भाई जैसे निकलेगा ना बहुत जोर से झटका लगेगा। अब तो अपना चप्पल नहीं तोड़ेंगे गाइस, हमारा चप्पल बच चुका है। यस चीयर ग्रेट सक्सेस, इट्स इको लाइफ। हम लोग अब खोजेंगे मोची का दुकान, जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे रबर को निकाल के उसे दे देंगे और उसके बदले में धागा लगवा लेंगे। गाइस चमत्कार हो चुका है, हमें मोची का दुकान मिल चुका है। गाइस लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, रोड क्रॉस करना मतलब बड़ा हेडेक हो गया है। और ये देखिए इट्स अ मोची शॉप अंकल, आई हैव टू आवर ब्लॉग से है। चुपर चुपर भाई दिखाओ अपना अंकल को, बीमारी दिखाओ इसको, जो ठीक करना है इसको ठीक करना है, चेंज करना है, रबर बैंड से बांधा हुआ है। बाबू पानी ले मिला रबर से बांधा, रबर भी टूट गया मगर ये नहीं ले जरा स्लैब छोड़ दीजिए आप लोग, स्लैब चला दे क्या अंकल? नहीं नहीं ऐसे राइट है सामने। अरे बहुत बढ़िया तो ये बहुत ना इंसाफी है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। भारत देश में सब नागरिक बराबर है, इतना चप्पल क्यों? मेरे पास मोजा ही नहीं है, देखिए गाइस मेरा पैर तो कैसे भाई, ये देखिए मेरा दुश्मन है, तुम मेरा दुश्मन है, पीछे तो देखो क्या करना था, अंदर जोड़ रहे हैं क्या, चेंज नहीं कर सकते क्या, ये मेरा फिकर नहीं है वो पता था ये। हाँ दोनों में चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसा कलरफुल लगेगा। अरे इसको वॉशरूम वाला चप्पल बनाना है ना, वॉशरूम वाला चप्पल और क्या, नया चप्पल लिए था भाई 150 रुपये में। हाँ कितना लगेगा पैसा ये बताइए, 30 रुपये लगेगा, नहीं बचे पैसा ही नहीं, उतना पैसा नहीं लाया अभी, सब आ गया पैसा बाकर गए, 10 रुपये वाला करा लीजिए, यही कर दीजिए, सीढ़ी दीजिए। हाँ बोलिए भाई, यहाँ चल के देखो तो कैसा लग रहा है, बराबर चल पा रहे हो क्या? उछल कह रहे हो, ठीक है चलो, ठीक है चलो, ठीक से काम करना चाहिए लगा, ठीक है चलो, चल के दिखाओ ठीक से। मोची अंकल ओपी कैसा लग रहा है, मोची अंकल ठीक काम किए हैं क्या? थैंक यू बोल दे भाई, चलो थैंक यू भाई, भाई भाई थैंक यू भाई बोल, अरे पैसा दिए ना दक्षिणा दिए उनको, थैंक यू बोलो, चलो बोलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू अंकल, अंकल का रिएक्शन तो हाँ गाइस तो नहीं। देखिए अब निशान का चप्पल तो हम लोग रिकवर करा लिए सर्जरी करा के, लेकिन एक बात कहना चाहें कि मम्मी के बाद हमेशा सुनना चाहिए, जब लोग निकल रहे थे इसके घर से तो आंटी क्या बोली थी, कहे कि बेटा जूता पहन के निकलो, कहे कि बेटा जूता पहन के निकलो, कहे कि बेटा जूता पहन के निकलो। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, इसलिए माता पिता का बात जरूर सुनिए दोस्तों, अगर नहीं सुनिएगा तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो तो आरव जैसा दोस्त था, वो तो मेरे जैसा दोस्त था कि मतलब मोची खोज निकाले, पटना की गली में मोची कहाँ कहाँ बैठता है हमको पता है, उसके मालिक है मतलब हम डिपार्टमेंट भाई। इट्स फिनॉल एरोमैटिक। और गाइस तुम लोग निशांत को घर ड्रॉप करके पैदल ही वापस ड्रॉप कर दिए और पैदल ही वापस जा रहे हैं घर अपने, अब यहीं पे वो प्यार का टेस्ट हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो प्यार का टेस्ट दोस्ती का था, तो बस इसको अन्यथा बना लिया जाए। सही बात, इसे तो कितनी सुंदर सोसाइटी बनाई हुई है, ह्यूज, हाँ मतलब बहुत ही प्यारा, देख रहे हो यार मंदिर भी है, प्यारा सा मंदिर है, फिर लोग हैं, बिल्डिंग कितना अच्छा दिख रहा है, ये आरबीआई का है ना, आरबीआई क्वार्टर है ये सब। ब्लॉग भी होने वाले किसी भी वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है, इसे किसी भी जीवित या मृत की भावनाओं को आहत पहुंचती है तो चैनल उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए,
शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे और आप लोगों का मनोरंजन होते रहे। बाय बाय।